Hey, hello everyone. Hi everyone. Good evening. Hope all of you are doing well. So we are meeting after long hiatus. After almost six months. कि हम वीडियो नहीं बना पाए थे. उसके पीछे कुछ पर्सनल रीजन थे. अब सारे रीजन्स खत्म हो गए और अभी हम स्टार्ट करने वाले वीडियो सीरीज अगेन फिर से. तो और उसके पीछे क्या रीज़न था कि हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम कुछ अलग जगह पे थोड़ा बिजी थे. और क्यों बिजी थे उसके पीछे का रीज़न मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हम ये होम डेकोर में लगे थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा था एडजस्ट. बट चलो ठीक है, अब फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा फाइनली घर कैसे बना है. तो चलो स्टार्ट करते पहले बाहर से, और मैं आपको पहले बाहर का सब दिखा देता हूँ और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा इंटीरियर दिखाते हैं इंटरनल. ठीक है, ऑल राइट देन, चलो बाय. हमारा फर्स्ट फ्लोर पे होने के कारण हमें ये पूरा गार्डन मिला है बेसमेंट पे यहाँ पे, और ये पूरी लॉबी है. तो यहाँ पे इस फ्लोर पे बस दो ही फ्लैट है, ये हमारा और एक दूसरा, दैट्स इट. और यहाँ पे हमें एक बड़ी सी गैलरी या आप पोर्च बोल सकते हो वैसे मिला है, और फॉलोड बाय ये है हमारी एंट्रेंस. तो दोनों तरफ लॉन मिला है, इस साइड भी और इस साइड भी. तो ये इट्स फील्स लाइक अ सेपरेट होम फॉर अस. तो चलो अब मैं चलता हूँ धीरे धीरे अंदर और आपको पूरा अंदर का दिखाता हूँ. ये मेरे पीछे का है एक्सटीरियर पार्ट, और जैसे हम एंटर करते हैं तो हमें लगता है फॉयर एरिया, और ये फॉयर एरिया हो या कोई भी चीज़ हो तो शायद एक फ्रेम में नहीं आएगा. तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको सिनेमेटोग्राफी थ्रू छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करूँ और आपको पूरा का पूरा व्यू दिखा पाऊँ. तो चलो लेट स्टार्ट विद द फॉयर एरिया और देखते फॉयर एरिया से पूरा. अभी फॉयर एरिया पे मुझे चाहिए था बड़ा सा शू रैक, क्योंकि मेरे पास शू का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, तो इसीलिए मेरी पहली डिमांड थी शू रैक. और फॉलोड बाय थोड़ा एंट्रेंस पे हमें चाहिए था थोड़ा डेकोरेटिव्स, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मिरर और थोड़े फ्लावर्स ऐड किए हैं टू लुक मोर एलिगेंट. और फॉयर एरिया को ही हमारा अटैच है लिविंग रूम. तो जस्ट मैं एक फ्रेम में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पूरा लिविंग रूम, जस्ट हैव अ लुक एट इट. शायद एक फ्रेम में नहीं आ पाएगा, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको मल्टीपल फ्रेम में ऐड करूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द टीवी यूनिट. ये है हमारा टीवी यूनिट, थोड़ा सिंपल और एलिगेंट, क्योंकि हमें बहुत मिनिमलिस्टिक चाहिए था सो दैट वो एलिगेंट लगे, ज़्यादा बल्की ना लगे, तो इसलिए हमने इसको बहुत सिंपल वे में रखा है. और आप देख सकते हो यहाँ पे वुडन स्ट्राइप्स है हमने स्पेशली चूज़ किए वो. और हमने टीवी यूनिट के सामने रखी है एक ब्लू कलर की विंग चेयर एंड सोफ़ा, या आप इसको काउच भी बोल सकते हो. यहाँ पे प्रिया चाय लेते हुए थोड़ा एक्टिंग कर रही है, बट ठीक है. और एक बात और बता देता हूँ कि हमारे घर की जो थीम है वो है यूरोपियन प्लस मॉडर्न. तो ये जो मोल्डिंग्स आप देख सकते हो, ये यूजुअली आप यूरोपियन हाउसेस में आप देखा होगा कभी तो भी, तो वही हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है, और आपको सारे घर में यही आपको मोल्डिंग्स दिखाई देंगी. हमने ब्लू कलर की विंग चेयर ली है अर्बन लैडर से, और ब्लू इसलिए लिया क्योंकि हमारे घर की जो थीम है वो मोस्टली न्यूट्रल कलर्स हमने यूज़ किए हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा कलर ऐड कर सके, इसलिए हमने ब्लू कलर का यहाँ पे विंग चेयर लिया. और ये जो सोफ़ा है वो लिया है हमने पेपर फ्राई से. इसका कंफर्ट और कुशनिंग बहुत सुंदर लगा हमें, इसलिए शायद हमने पुणे के ऑलमोस्ट सारे फर्नीचर शॉप्स ढूंढे होंगे, लेकिन इतना कंफर्ट शायद हमें किसी सोफ़ा में नहीं मिला. फाइनली हमें वो मिला पेपर फ्राई में. ये विंग चेयर एंड सोफ़ा के वजह से यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ी सी डेड स्पेस बन रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री ऐड की और एक कॉर्नर लैम्प, तो इससे थोड़ा सा लाइवली फील होता है और वाइब्रेंट फील हो रहा है. और इच मोल्डिंग में भी हमने एक वॉल लैम्प लगाया, और एक मोल्डिंग्स पे हमने लगाई ये पेंटिंग. ये भी कलरफुल होने के कारण थोड़ा सा इसमें कलर्स ऐड हुए हैं घर में, और ये पेंटिंग हमें गिफ्ट किए हमारे वन ऑफ आवर डियर फ्रेंड अजिंक्य, सो थैंक्स मैन फॉर द पेंटिंग. तो ये यहाँ पे भी देख सकते हो वॉल लैम्प कैरी फॉरवर्ड हुआ है. तो मैं एक बार आपको पूरा ग्लांस दिखाता हूँ स्टार्ट से, तो आपको एक छोटा सा अंदाजा आ जाएगा कि हाउ एग्जैक्टली आवर लिविंग रूम लुक्स लाइक.
ये जो वीडियो शूट है हम शूट कर रहे हैं व्हाइट लाइट्स में स्पेशली, और मुझे पर्सनली वार्म येलो या वार्म व्हाइट जो लाइट होते हैं वो बड़े पसंद है। तो मैं ये कहना इस वीडियो के लास्ट में पूरा घर का होम टूर जो है एक वार्म येलो लाइट्स में या व्हाइट लाइट्स में दूंगा। तो आप सजेस्ट करना कि कौन से लाइट्स में घर जो है ज़्यादा इन्हांस और अच्छा फील होता है, तो लास्ट में ज़रूर देखना हो। और हमारे लिविंग रूम को एक बड़ी सी बालकनी अटैच है, आप देख सकते हो। इसकी जो साइज़ है वो है 10x11। यहाँ पे हमने एक सोफ़ा कम बेड ऐड किया हुआ है और एक छोटी सी पेंटिंग, उसके साथ ये ट्रैक लाइट्स ऐड की है जो हर चीज़ पे फोकस कर सके। ये जो ट्रैक लाइट है वो सिर्फ गार्डन पे फोकस कर सके। उसके नीचे हमने ऐड किया है ये एक स्विंग, कुछ पेड़ और एक तुलसी हमारे आंगन की, और एक जो इसका लाइट है फोकस वो है इस पेंटिंग पे, और ये जो दूसरा फोकस है वो एग्जैक्टली है तुलसी पे। तो यही है हमारा बालकनी और बालकनी का व्यू, बहुत बढ़िया सा स्विमिंग पूल। नाइट में ना बहुत सूदिंग सा फील होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे बैठ जाओ और आराम से बैठे रहो तो भी आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। यहाँ पे कुछ पब्स वगैरह है तो उनका भी नाइट टाइम में बहुत सही सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। और बालकनी से एग्जिट होते समय या लिविंग रूम में एंटर होते ही यहाँ पे अपना है लिविंग रूम, और लिविंग रूम से ही अटैच है हमारा किचन जो है प्रिया का फेवरेट एरिया। हाँ, ये मेरा फेवरेट। और यहाँ का जो कलर कॉम्बिनेशन भी है जो मोस्टली प्रिया ने सजेस्ट किया हुआ है, तो कुछ कलर से मैं इनिशियली एग्री नहीं था, जैसे कि ये कलर, बट हाँ इसके पसंद का है। शी हैज इंसिस्टेड अ लॉट कि मुझे यही कलर चाहिए, तो अब पता नहीं कि ये कैसे लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है। हाँ अभी तो ठीक लग रहा है, बट क्योंकि पूरे घर का थीम है पेस्टल कलर का, न्यूट्रल कलर्स का, तो ये अच्छा लग रहा है ये कलर। हाँ नहीं अभी अच्छा लग रहा है, बट जब हमने स्टार्ट में देखा था तो उतना अच्छा नहीं लगा था। तो चलो मैं इसके भी थोड़े से क्लिप्स ऐड कर देता हूँ। ये है मेरा पर्सनल फेवरेट वाइन का, हमने यहाँ पे बार काउंटर लगाया है बस शो के लिए, शो के लिए नहीं है। बट ये यहाँ एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, ये भी ड्रिंक नहीं है, नकली ड्रिंक है, नकली ड्रिंक है। यहाँ पे एक कॉर्नर था तो हमने यहाँ पे भी एक पेड़ लगा दिया है जिससे थोड़ा लाइवली फील हो। एंड हमारे घर पे एक बहुत सस्पिशियस जगह है ये सस्पिशियस एंड ऑस्पिशियस। ये है हमारा मंदिर, ये है हमारा छोटा सा मंदिर हमने यहाँ पे बनवाया है, और यहाँ पे एक लाइट भी ऐड कर दिया गणपति जी के ऊपर। ये अगर बंद भी करें तो गणपति जी दिखते रहेंगे आपको, यहाँ पे ऊपर भी गणपति नीचे भी गणपति तो ऐसा है हमारा छोटा सा टेंपल मंदिर, ओम गणपतये नमः। एंड हमारे किचन के एग्जैक्टली सामने है एक गेस्ट बेडरूम या चाइल्ड बेडरूम, चलो लेट्स एंटर। ये है हमारा कबर्ड जो नीच पहले ही दिया था बिल्डर ने, और यहाँ पे हमने उसको यूटिलाइज किया कबर्ड में। यहाँ पे मोस्टली प्रिया के है चीज़ें, बहुत मेसअप है तो मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा। और इसी कबर्ड के बाजू में है प्रिया का वर्क स्टेशन, अभी थोड़ी सी एक्टिंग कर रही बट ये वर्क स्टेशन बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे वॉल फ्रेम्स एंड आर्टिफैक्ट्स कुछ ऐड किए हुए हैं, इट हैज सम मीनिंग जो मुझे भी नहीं पता। और इसी वर्क स्टेशन के सामने हमने बनाया बेड, गेस्ट के लिए बनाया हालांकि अभी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यूरोपियन थीम कैरी फॉरवर्ड हुई है, और इसमें भी हमने इसी कलर में मैचिंग थोड़े से फ्रेम्स ऐड किए जो इसमें भी थोड़ा लाइवली एंड कलर्स ऐड कर सके घर में।
एक बार फुल व्यू दे देता हूँ गेस्ट बेडरूम का। अभी गेस्ट रूम से चलते हैं सीधा मास्टर बेडरूम की तरफ। और मास्टर बेडरूम जाने से पहले यहाँ पे भी हमने एक थोड़ा डेकोरेटिव चीज ऐड की है, जो हमने मिरर लगाया यहाँ पे ब्लू कलर पे, और ये मिरर लिया है हमने आइकिया से। और इसी मिरर के बाजू में हमारा कॉमन वॉशरूम, छोटा सा दिखा देता हूँ, सबके घर में होता है ऐसा ही है। इस वॉशरूम के एग्जैक्टली सामने हमारा मास्टर बेडरूम। तो चलो लेट्स एंटर इनटू आवर मास्टर बेडरूम। ये भी हमने बहुत सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक रखा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी यूरोपियन थीम जो है ये कैरी फॉरवर्ड हुई है, और दो फ्रेम्स एंड दो वॉल लैम्प्स। मुझे पर्सनली वॉल लैम्प्स बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत जगह ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती थी। तो मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी अपना घर बनाऊँगा तब ये यूरोपियन थीम एंड वॉल लैम्प ज़रूर लगाऊँगा। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। और ये मेरा छोटा सा मेरा वो डेस्कटॉप है या वर्क स्टेशन है, हालांकि मैं ऑफिस से काम करता हूँ तो मुझे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता। और इस रूम की मैं मेरी सबसे फेवरेट जगह दिखाता हूँ, ये है मेरा आशियाना। यहाँ सोना, और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है यहाँ पे। और यहाँ पे तो सोके स्क्रॉलिंग करते रहना दिन भर, तो मैं कभी इरिटेट नहीं होता, बोर नहीं होता। तो ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है इस घर की। और ये है वार्डरोब, बड़ा सा वार्डरोब, ये भी मेरी एक जरूरत थी। तो मैं एक बार हमारा वार्डरोब भी दिखा देता हूँ, लेट मी गिव अ ग्लिम्स। यहाँ पे मेरा पूरा कलेक्शन है, शर्ट टी शर्ट्स, और ये है इन शॉर्ट इस बेडरूम का व्यू। मोस्ट ऑफ द जगह हमने ग्रीन प्लांट्स ऐड किए, उससे थोड़ा सा लाइवली फील होता है। और इस रूम को भी एक बालकनी अटैच है, तो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। कूल, वाओ। तो ये भी वाइट टेबल एंड चेयर हमने आइकिया से ऑर्डर किया है, और यहाँ पे भी ग्रीन मैट हमने डाली है। और यहाँ से भी सेम व्यू दिखता है स्विमिंग पूल का। यहाँ पे ज़्यादा हमने कुछ डेकोरेटिव चीज़ें ऐड नहीं की है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक स्कोप शायद फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। और स्पेशली हमने वॉशरूम और सब दरवाजे जो है डोर्स वो ग्रे कलर के किए, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। और यह है हमारा मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। दैट्स कूल राइट। सो या, तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे छोटे से घर का होम टूर। तो ये हमारे जो इंटीरियर डिजाइनर थी समीक्षा, तो उसने भी हमें बहुत हेल्प की है इसमें। तो हाँ, तो बिफोर रैपिंग अप और एंडिंग दिस वीडियो, तो जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि एक वार्म वाइट्स में आपको एक होम टूर देता हूँ, तो चलो एक उसकी भी क्लिप मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप उससे सजेस्ट करना कि घर जो है वाइट लाइट में अच्छा लगता है या वार्म वाइट्स में। तो प्लीज डू सजेस्ट ऑन दिस।